दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं विजय श्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। वो छात्र है सरकार, महंगा किराया नहीं भर सकता, सिटी बस चालू करवाने को दर दर भटक रहा है छात्र वर्ग। कानून नगर पालिका अध्यक्ष चंदा मीणा पति के साथ रिश्वत लेते हुई गिरफ्तार। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट कांड में नहीं रुक रहा मौतों का सिलसिला। वेदांता उदयपुर संगीत महोत्सव होगा कल से पूरे परवान पर, छठे संस्करण का जोरदार धमाका। उदयपुर बनेगा साक्षी भारतीय जैन संघटना यानी BJS का राष्ट्रीय अधिवेशन का। धोरों की धरती पर सितारों का जमावड़ा, शाहिद, कृति, डिंपल और धर्मेंद्र पहुंचे जैसलमेर। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को छात्र नेता हिमांशु चौबीसा और ऋतिक गुजराती के नेतृत्व में गिरजा शंकर मेहता बार एसोसिएशन अध्यक्ष उदयपुर को उदयपुर कोर्ट में जाकर ज्ञापन दिया गया। हिमांशु चौबीसा ने कहा कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में शहर ही नहीं बल्कि दूर गांव से भी कई विद्यार्थी पढ़ने आते हैं और सभी के पास निजी वाहन न होने के कारण प्राइवेट साधनों से आवागमन करते हैं। इस महंगाई के दौर में प्राइवेट साधनों द्वारा छात्र छात्राओं से अधिक किराया वसूला जाता है और प्रशासन की नजरअंदाजी के कारण उन्हें मजबूरी में वो भुगतान करना पड़ता है। छात्र जो होता है वो देश का भविष्य है। वही छात्र जब अपनी पढ़ाई के दौरान आवागमन के साधनों में परेशानी में हो तो परेशान होना स्वाभाविक है। इसी के अंतर्गत हिमांशु चौबीसा बार एसोसिएशन अध्यक्ष उदयपुर गिरजाशंकर मेहता को ज्ञापन दिया और समर्थन की मांग की और उनको बताया कि विश्वविद्यालय में विधि महाविद्यालय भी संचालित है और विधि महाविद्यालय में ही दूर गांवों से विद्यार्थी पढ़ाई करने आते हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय से विद्यार्थी जिला कोर्ट में भी अभ्यास करने आते हैं और सिटी बस न होने के कारण प्राइवेट साधनों से ही आना जाना पड़ता है और उनसे भी अधिक किराया वसूला जाता है। अतः सिटी बस चालू करने में बार एसोसिएशन भी सहायता करे। इन सभी बातों को सुनकर बार एसोसिएशन अध्यक्ष गिरजाशंकर मेहता ने आश्वासन दिया कि वो भी इस मुहिम में छात्रों का साथ देंगे, योगदान देंगे और अपनी तरफ से नगर निगम, महापौर और जिला कलेक्टर को पत्र लिखेंगे कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय तक सिटी बस संचालित की जाए। हिमांशु चौबीसा ने कहा कि सरकार और प्रशासन द्वारा उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय भी उदयपुर शहर में ही आता है लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दौरान सुखाड़िया विश्वविद्यालय को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है और पिछड़ा बनाया जा रहा है। सरकार बनाने में विद्यार्थियों का भी योगदान होता है। वो अपना अमूल्य वोट देकर सरकार पर विश्वास जताते हैं कि सरकार उनका भविष्य उज्जवल करेगी, परंतु सरकार छात्रों से भेदभाव कर रही है। अतः हिमांशु चौबीसा ने कहा कि अगर सिटी बस विश्वविद्यालय तक जल्द चालू नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन के दौरान छात्र नेता हर्षित साहू, शोभापुरा राजेंद्र सिंह राव, करनी सिंह राठौर, दर्शन चौधरी, जयराज सिंह, निखिल पटवाल, मयंक लालवानी, ध्रुव सुधार और योजन नागदा आदि मौजूद थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने गुरुवार को उदयपुर के कानोड़ में बड़ी कार्यवाही करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष चंदा मीणा, उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बाबेल और अध्यक्ष पति सत्यनारायण मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ACB को परिवादी ने शिकायत दी कि उसके द्वारा नगरपालिका कानून में सप्लाई की गई सामग्री के बिल पास करने की एवज में पालिका अध्यक्ष चंदा मीणा, अध्यक्ष पति सत्यनारायण 30,000 रुपए की रिश्वत राशि मांग रहे हैं और रिश्वत न देने पर भुगतान राशि अटकाकर परेशान किया जा रहा है। वहीं नगर पालिका उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बाबेल ने नगर पालिका में पूर्व में किए सेल्फी पॉइंट और ओपन जिम के कार्य के बिल पूरा करने की एवज में कमीशन के रूप में 40,000 रिश्वत परिवादी से मांगी है। ACB टीम ने शिकायत का सत्यापन किया। रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि होने पर ACB टीम कानोड़ पहुंची और गुरुवार को ACB टीम ने ट्रैप कार्यवाही करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष चंदा मीणा और उसके पति सत्यनारायण मीणा को परिवादी से 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बाबेल ने परिवादी द्वारा नगर पालिका कानोड़ में पूर्व में किए सेल्फी पॉइंट और ओपन जिम के कार्य का बिल पास कराने की एवज में ये कमीशन के रूप में 40,000 की रिश्वत मांगी और कुछ राशि प्राप्त भी कर चुका था। ऐसे में ACB टीम ने नगरपालिका उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बाबेल को गिरफ्तार किया है। महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर शेरगढ़ हादसे के मृतकों के आश्रितों और घायलों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर धरना चल रहा है। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट कांड में मरने वालों की संख्या 11 बच्चों सहित अब 28 हो गई है। बुधवार देर रात गोविंद सिंह और गुरुवार सुबह अंशी कंवर ने दम तोड़ दिया। 24 लोग अभी जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और इनमें से कई का इलाज ICU में चल रहा है। उधर हादसे पीड़ितों के समाज और परिवार वालों ने हॉस्पिटल के मोर्चरी के सामने गुरुवार सुबह करीब 11 बजे से धरना शुरू कर दिया है। घायलों को 25 लाख, मृतकों के परिजनों को 50 लाख और सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। 8 दिसंबर को जोधपुर के शेरगढ़ में एक साथ कई गैस सिलेंडरों में आग लग गई। हादसा शेरगढ़ के पास बुंगड़ा गांव में दोपहर 3:15 बजे हुआ। यहां तगत सिंह के घर में शादी समारोह
समारोह था, घर से बारात रवाना होने वाली थी, तभी अचानक सिलेंडर फट गए। दूल्हे, उसके माता पिता समेत 60 से ज्यादा लोग झुलस गए। आनन फानन में सबको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बड़ी संख्या में लोग 50% से ज्यादा झुलसे थे, इनमें कई बच्चे भी शामिल थे। गुरुवार तक 28 मौतें हो चुकी हैं। एक एक कर हो रही मौतों ने परिवार वालों को झकझोर कर रख दिया है। अब सरकार के खिलाफ गुस्सा फूटा है। परिवार वाले और समाज के लोगों ने यहाँ धरना शुरू किया है। धरने में शेरगढ़ विधायक मीना कंवर, विधायक पुखराज गर्ग समेत समाज के कई लोग जुटे हैं। विधायक मीना कंवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पीड़ितों के लिए स्पेशल पैकेज और अधिकतम मदद की मांग पत्र लिखकर की है। धरना स्थल पर एक पोस्टर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर लिखा था, भूंगरा गैस दुखद घटना, अब नहीं उठाएंगे शव। मॉर्चरी के आगे धरना शुरू, अब मृतक परिवारों को एक नौकरी व उचित मुआवजा दो। सरकार सुन लो, दुखड़ो कालजा रो टुकड़ा गया। साहब मारा घर खाली गयो, रोवा वाला भी नहीं बचा। धरने में पहुंचे ओमबन्ना टाइगर फोर्स के माधो सिंह ने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। मारवाड़ के 36 कौम के लोग यहाँ धरने में पहुंचे हैं। हमारी मांगों को जब तक लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक बॉडी अंदर ही रहेगी, शव को नहीं उठाया जाएगा। बहुत शर्म की बात है कि ये सबसे बड़ी और दुखद घटना हुई और लाख डेढ़ लाख के मुआवजे की बातें हो रही है। इतने की तो यहाँ 5 दिन में हॉस्पिटल आने वाले चाय पी गए। जब तक उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा, धरना जारी रहेगा, चाहे कितने भी दिन लग जाए। अनशन करना पड़ा तो वो भी करेंगे। राजस्थान के सबसे बड़े संगीत कार्यक्रम वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का 6वां संस्करण कल से शुरू हो रहा है। शहर द्वारा तैयार की गई अवधारणा और निर्मित यह महोत्सव आपके लिए राजस्थान पर्यटन की पेशकश है। इसमें दुनिया भर के 120 जाने माने म्यूजिशियन परफॉर्मेंस देते नजर आएंगे। इस साल के संगीत में साझेदारी का लक्ष्य भुला दिए गए सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों को पुनर्जीवित करना है। स्थानीय कलाकारों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवाना है। महोत्सव के पहले दिन कई प्रसिद्ध कलाकारों के साथ सारंगी का प्रदर्शन होगा। लोक परंपरा को और आगे ले जाते हुए जसली नौलक, परवाज, अबको राव जैसे प्रसिद्ध गायक अपने लोकप्रिय लैटिन धुनों के साथ और पापोन अपने अपने जॉनर के साथ गीतों की प्रस्तुति देंगे। दूसरे दिन जाने माने वायलिन वादक नंदिनी शंकर, ब्रूनो लोई और जोनाथन डेला मारियाना जैसे कलाकार होंगे, जो इटली के लॉन्देदास वाद्य यंत्र का प्रदर्शन करेंगे। कामाक्षी खन्ना, पुर्तगाल की प्रसिद्ध फैडो गायिका कातिया गुरेरो, पुर्तगाल के सेंजा ब्लेसिंग ब्लेड, चिमंगा एंड ड्रीम्स जिम्बाब्वे से बहुत लोकप्रिय पर रघु दीक्षित प्रोजेक्ट और स्पेन का एक उच्च ऊर्जा बैंड हबला डी मीन एंड प्रेजेंट होगा। इस दिन सारंगी वादकों की परफॉर्मेंस और वेदांता टैलेंट हंट के परिणामों की घोषणा भी देखने को मिलेगी। इस संगीत महोत्सव के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया से श्रीजनी घोष, अभिनेत्री गायिका गीतकार संगीता भट्टाचार्य, अभिनेत्री गायक संगीतकार संजीता भट्टाचार्य, आभा हुंजरा, हरजोत कौर और वेदांग, भारत की प्रमुख सोलो परक्यूसिव एस्कॉर्टिक गिटारिस्ट ध्रुव विश्वनाथ, फ्रांस से इलेक्ट्रिक परक्यूशन ऑर्केस्ट्रा, पुर्तगाल से अल बलूना और फरहान अख्तर की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इस कार्यक्रम के मौके पर संजीव भार्गव, फाउंडर डायरेक्टर शहर का कहना है कि शहर की हमारी टीम ने इस महोत्सव को 6 साल तक पहुंचने में काफ़ी मदद की है। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि इतने सालों में दर्शकों का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा संगीत समारोह बन गया है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस साल के लाइनअप में दुनिया भर की विश्व स्तरीय परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सारंगी को इस एडिशन में प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में शामिल होते हुए उम्मीद है कि उदयपुर और भारत की जनता 1 साल के अंतराल के बाद इस अनुभव का लुत्फ उठाएगी। हिंदुस्तान सिंह लिमिटेड का कहना है कि वेदांता उदयपुर संगीत महोत्सव हमेशा ही दिलों के करीब रहा है और इस साल ऐसे जाने माने कलाकारों के परफॉर्मेंस के साथ ये और भी बड़ा और भव्य होने वाला है। हम सब बेहद उत्साहित हैं और हमें बड़ी संख्या में उदयपुर के लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस महोत्सव में वेदांता टैलेंट हंट का आयोजन किया गया, जो कि उदयपुर और आसपास के जिलों के स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना चाहता था। इसका आयोजन क्षेत्र के संगीत की आत्मा से दर्शकों को फिर से जोड़ने और उन कलाकारों को पहचान दिलाने में मदद करना है, जो कि झीलों की इस खूबसूरत नगरी के गली कूचों में बसती है। झीलों की नगरी उदयपुर में 17 और 18 दिसंबर को आयोजित हो रहे भारतीय जैन संगठना के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को जोर शोर से अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारतीय जैन संगठना के अध्यक्ष राजेंद्र लुंकड़ ने प्रेस वार्ता में बताया कि बीजेएस के संगठन नहीं वरन विचारधारा है। 37 वर्षों के अपने इतिहास में मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन, सामाजिक विकास और शैक्षणिक कार्यों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किए गए हैं। संगठन का मुख्य आधार कार्यकर्ताओं का विशाल नेटवर्क है। इस संस्थान में 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता एवं 500 से अधिक विशेषज्ञ प्रोफेशनल व कर्मचारी पूना स्थित कार्यालय में कार्यरत हैं। लुंकड़ ने बताया कि झीलों की नगरी में होने वाला यह अधिवेशन कोरोना महामारी के कारण 4 वर्षों के अंतराल में हो रहा है, जिसमें
भारत के 100 जिलों में जल संवर्धन का MOU, मूल्यवर्धन शिक्षा का स्केल तैयार करना और सामाजिक क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों पर चिंतन मंथन करना मुख्य है। BGS प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार फत्तावत ने बताया कि अधिवेशन की संपूर्ण तैयारियां अंतिम चरण में है। अधिवेशन स्थल 100 फीट रोड स्थित ओकेजन गार्डन में 40,000 स्क्वायर फीट का विशाल डोम का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें 3200 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही 50,000 स्क्वायर फीट का भोजन पंडाल भी तैयार किया जा रहा है। सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए बनाई गई 15 समितियां अपने अपने कार्यों में रात दिन जुटी हुई हैं। बाहर से आने वाले प्रतिनिधियों के लिए आसपास के 2 किलोमीटर के क्षेत्र के होटलों में 900 कमरे आरक्षित किए गए हैं, जिनमें सर्दी के बचाव के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी प्रतिनिधियों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से लाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। फत्तावत ने बताया कि अधिवेशन का मुख्य आकर्षण 17 दिसंबर को सायं 4:30 बजे ओकेजन गार्डन से DPS स्कूल मैदान तक निकलने वाली विशाल वाटर रैली है, जिसमें यूथ ब्रिगेड के 51 युवा साथी आगे बुलेट मोटरसाइकिल पर रैली को एस्कॉर्ट करेंगे। उनके पीछे घोड़े, 2 बग्गियां जिनमें अधिवेशन का लोगो एवं जैन प्रतीक चिन्ह होगा। उनके पीछे 12 राज्यों के 100 जिलों की झांकियां अलग अलग 4 पहिया वाहनों पर संचालित होंगी। फत्तावत ने बताया कि देश के 36, राज्य के 15, गुजरात के 3, जम्मू कश्मीर के 2, कर्नाटक के 15, महाराष्ट्र के 27, मध्य प्रदेश के 6, उड़ीसा, पंजाब और पांडिचेरी के 1-1, राजस्थान के 14, तमिलनाडु के 13 और उत्तर प्रदेश के 2 जिले इनमें शामिल है। राजस्थान के अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालोर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, राजसमंद और उदयपुर जिले जल संवर्धन में शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री अभिषेक संचेती ने भी बताया कि 17 से 18 दिसंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कपिल पाटिल, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, डॉक्टर अभय फिरोदिया, चेयरमैन फोर्स मोटर्स वल्लभ भंसाली, प्रबंध निदेशक इमाम सिक्योरिटी अरुण जैन, CMD इंटेलेक्ट डिजाइन अरहना लिमिटेड, प्रदीप राठौर, सेलो वर्ल्ड ग्रुप मुंबई, डॉक्टर चैन राज जैन चांसलर जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर, विजय दर्डा चेयरमैन लोकमत मीडिया, अभय श्री श्रीमाल अध्यक्ष जीतो एक्पेक्स, अविनाश मिश्रा सलाहकार नीति आयोग डॉक्टर अख्तर बादशाह, वॉशिंगटन विश्वविद्यालय सहित देश भर के 100 से अधिक उद्योगपति, शिक्षाविद एवं ब्यूरोक्रेट्स एवं जनप्रतिनिधि इस महाअधिवेशन का हिस्सा बनेंगे। प्रेस वार्ता में अरविंद जारोली, धीरेन्द्र मेहता, प्रवीण नवलखा, दीपक सिंघवी, रैन प्रकाश जैन, राजेश भादविया, सुधीर चित्तौड़ा, अरुणा मेहता, विनोद फांदोत, भूपेंद्र गजावत, यशवंत कोठारी, चंद्रप्रकाश चौड़िया और तुषार मेहता आदि उपस्थित रहे। रुदाली और मैदान जंग जैसी मूवी की शूटिंग के बाद एक बार फिर से डिंपल कपाड़िया और धर्मेंद्र जैसलमेर आए हैं। डिंपल करीब 34 साल बाद शूटिंग के सिलसिले में गोल्डन सिटी पहुंची है। इससे पहले वे रुदाली मूवी की शूटिंग में आई थी। वहीं धर्मेंद्र की ये 5वीं मूवी है जिसकी शूटिंग रेगिस्तान के धोरों में होगी। बुधवार की शाम करीब 6 बजे बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र डिंपल कपाड़िया, शाहिद कपूर और कृति सैनन जैसलमेर पहुंचे। वे यहाँ होटल मैरियट में रुके हैं। शाहिद और कृति प्रोड्यूसर दिनेश विजान के बैनर मैडॉक फिल्म्स के तले बनने वाली फिल्म रॉबोट रोमकॉम की शूटिंग जैसलमेर के अलग अलग लोकेशन पर करेंगे। फिल्म का निर्देशन राइटर से डायरेक्टर बने अमित जोशी करेंगे। अमित जोशी इससे पहले राजकुमार राव, स्टारर ट्रैप्ड इंडिया, लॉकडाउन और मुंबईकर जैसी फिल्में लिख चुके हैं। जैसलमेर में एक साथ 4 बड़े सितारों से मिलने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं। जैसलमेर में डिंपल कापड़िया रुदाले फिल्म के लिए साल 1988 में जैसलमेर आई थी। जैसलमेर के मूल सागर, कुलधरा समेत कई गांवों में इस फिल्म की शूटिंग हुई। बताते हैं कि फिल्म यूनिट काफी लंबे समय तक यहां रुकी थी। कल्पना लाजमी की इस फिल्म में भूपेन हजारिका का संगीत था। इस फिल्म के लिए डिंपल को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला था। इस दौरान राज बब्बर भी उनके साथ मौजूद थे और इस मूवी का दिल हुम हुम करे गाना बहुत फेमस हुआ था। यह मूवी राजस्थान की प्रथा पर आधारित थी। जैसलमेर आए बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का होटल मैरियट पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उम्र ज्यादा होने की वजह से धर्मेंद्र को चलने में दिक्कत है, वो धीरे धीरे चलते हैं। होटल वालों ने उन्हें व्हीलचेयर भी ऑफर की लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सर पर हैट लगाए धर्मेंद्र काफी यंग नजर आ रहे थे। वहीं अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री डिंपल भी काफी खूबसूरत नजर आई। जैसे ही फिल्मी सितारे होटल पहुंचे, वहां पहले से मौजूद उनके फैंस ने उनको घेर लिया। अपने चहेते सितारों के साथ सेल्फी वो लेने लगे। सितारों ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया और फैंस के साथ सेल्फी लेकर उनको खुश किया। बताया जा रहा है जैसलमेर में 3 दिन फिल्म की शूटिंग चलेगी। रोबोट रोमकॉम एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। फिल्म में मशीन और इंसान के प्यार के बीच की कहानी दिखाई जाएगी। शाहिद कपूर इसमें रोबोटिक्स पर काम करने वाले एक लड़के के रोल में नजर आएंगे। वहीं कृति इसमें एक रोबोट का रोल प्ले करेंगी। शाहिद कपूर कृति सैनन के साथ पहली बार कोई फिल्म कर रहे हैं। वहीं धर्मेंद्र और डिंपल कपाड़िया भी लंबे समय बाद इस फिल्म में एक साथ नजर आएंगे। इससे पहले रजनीकांत भी रोबोट जैसी सफल फिल्म में काम कर चुके हैं। फिल्म मेकर दिनेश विज्ञान इससे पहले स्त्री, बाला, बदलापुर और हिंदी मीडियम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक एयरफोर्स ड्रामा भी साइन की है जो अगले साल फ्लोर पर आएगी। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर।
दोस्तों सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।